Recording. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद स्ट्रीम करने आया हूँ, और आज एक अपॉर्चुनिटी मिला है एक अच्छा काम करने के लिए, तो सोचा एक अच्छा स्ट्रीम किया जाए। आज का हमारा जो स्ट्रीम का टॉपिक होने वाला है वो है एआई के ऊपर। तो एआई के बारे में तो लोगों ने बहुत सुना है कि एआई ने मार्केट को कैसे रिवॉल्यूशनाइज किया है, किस तरीके से एआई के एडवांटेजेस है, किस तरीके से एआई काम करता है, किस तरीके से हम जो सोचते हैं वो चीज़ को एआई किस तरीके से बना के हमारे सामने रख देता है कुछ ही सेकंड में। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं ये स्ट्रीम करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो कि मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपने फील्ड के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि उन लोग जो स्पेशली ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं उनको हेल्प हो कि एआई को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने डिज़ाइनिंग को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि आज ये एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे स्ट्रीम करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? तो वो अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा काम करना। अच्छा काम क्या है? तो ये स्ट्रीम जो है ये एक चैरिटी के लिए मैंने ये स्ट्रीम किया है, चैरिटी के लिए मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। अब रीज़न क्या है कि रिसेंटली लास्ट 1 मंथ से मैंने एफबी पे और बहुत जगह पे मैंने एक पोस्ट सर्कुलेट किया था, जो कि मेरे एक फ्रेंड है उनके बेटे के लिए वो पोस्ट था, जो एक बहुत रेयर डिजीज़ से गुजर रहा है और उसे इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना है। तो कुछ हैवी अमाउंट है जो वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, जो मेरा फ्रेंड है। उसको हेल्प करने के लिए मैंने वो पोस्ट बहुत जगह पे सर्कुलेट किया था। तो अभी क्या हुआ, बहुत लोगों ने वो पोस्ट थ्रू हेल्प किया, और कुछ लोगों को लगा कि शायद ये स्कैम भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि आजकल ऐसे बहुत होता है कि मेरे नाम से किसी ने अकाउंट खोल के किसी से पैसे मांग लिए, मेरे अकाउंट हैक करके किसी ने किसी और से पैसे मांग लिए। तो ये भी रीज़न था, बहुत लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही है कि वो जो कॉज था वो जेन्युइन था, और उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे डिज़ाइनर फ्रेंड्स जो ये वीडियो देखने वाले हैं, जिन लोगों को एआई का आइडिया नहीं था कि किस तरीके से एआई को हम लोग अपने डिज़ाइन में काम पे ले सकते हैं, तो मैं उनको वही बोलूँगा कि ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको कुछ ज़रूर इसमें सीखने मिलने वाला है। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सके आप
ये लड़के के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। अभी वहाँ पे एक इम्पैक्ट गुरु का लिंक रहेगा, आप चाहे तो वहाँ पे इम्पैक्ट गुरु में आप डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इम्पैक्ट गुरु में अगर आप डोनेट करेंगे तो उनका जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है वो कट के वो हॉस्पिटल को जाने वाला है। और दूसरा है हॉस्पिटल का जो बैंक डिटेल्स, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप में से जिसको भी जैसे हेल्प करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा वो फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि मैं कैसे इन लोगों को जानता हूँ। पहले तो मैं बहुत छोटा था, तो वो टाइम पे ये कपल हमारे सामने रहते थे, तो मैं उनको बचपन से गौतम दाई बोलता था। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, वो फैमिली दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है गौरव, जो सफ़र कर रहा है एप्लास्टिक एनीमिया से, जो एक रेयर ब्लड डिजीज़ है, ठीक है। जिसमें आपका जो बॉडी है वो ब्लड क्रिएट करना कम कर देता है, जिसकी वजह से आगे जाके ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और इसके वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत लोग ये इसे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अभी ये जिस स्टेज में है, डॉक्टर्स ने होप दिया है कि अगर सही टाइम पे हम लोग ने इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दिया तो चांसेस है ये सर्वाइव कर जाएगा। और उसका ही जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है अराउंड 32 से 34 लैक्स के आसपास वो कॉस्टिंग जाने वाला है। तो ये बीमारी डायग्नोस होते होते भी उसके फैमिली का बहुत खर्चा हो चुका था, क्योंकि ये बहुत सारे टेस्ट से गुजरने पड़े तभी जाके पता चला कि इसको ये बीमारी है, क्योंकि पहले कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इनका फैमिली कंडीशन पहले से ही इतना अच्छा नहीं था, तो इन लोग ऑलरेडी वहाँ पे ही इन लोग टूट चुके थे। फिर इन्होंने फंड्स जमा करने के लिए अपना जो घर था वो भी बेच दिया है, बट घर बेच के भी इनको उतना पैसा नहीं है इनके पास कि ये पूरा इलाज इसका करा सके। तो वही प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बन पाए आपसे आप लोग प्लीज़ इसको हेल्प कीजिए। और मतलब ये बहुत यंग लड़का है, तो मतलब ये अपना फ्यूचर अच्छे से बना पाए तो वही अच्छा होगा। तो वही मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। तो ये है गौरव, और ये मैं आपको उसके फैमिली का फोटो दिखाता हूँ। ये है गौतम दा, ये संगीता भाभी, और ये है गौरव। गौरव का फर्स्ट पिक आपने देखा है। तो अभी जो इसका फोटो है, अभी जो इसका करंट फोटो है, मैं वो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी उसका हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है, तो कोई भी देखेगा तो वो डिस्ट्रेस में चले जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसके करंट पिक्स नहीं यूज़ किए हैं। ये उसकी फैमिली है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, और इसको मतलब ऐसी चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। और अभी एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं जल्द से जल्द इसका इलाज करा सके, इलाज हो जाए, और इलाज होने के बाद ये ठीक हो जाए। तो हम लोग इसके लिए प्रे कर सकते हैं, और हम लोग इसके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, जिससे इसके फैमिली को थोड़ा रिलीफ हो जाए और ये आगे जाके अच्छा हो जाए, ठीक है। यही रीज़न है आज का मेरे स्ट्रीम करने का। तो मेरे स्ट्रीम थ्रू मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों का भला हो, और अगर आप लोगों को कुछ सीखने मिल रहा है, आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है ये स्ट्रीम के थ्रू, तो आप लोग प्लीज़ आगे आके डोनेट कीजिए, या फिर कोई भी अमाउंट का हेल्प आप करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोग कनेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आपको इसके बीमारी के आपके के फैमिली में अगर ऐसे केसेस हो चुके हैं किसी को, अगर आप उसके इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं इसके पेरेंट्स के साथ, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही वीडियो के एंड तक दे दूंगा।
तो ये रहा हमारा गौरव, और हम लोग ऐसे इम्पैक्ट गुरु का लिंक हम लोग मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो ये इम्पैक्ट गुरु का लिंक है, आप लोग ये आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग डायरेक्ट इसे स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में आप लोग ये वीडियो को पॉज करके मैं वापस से ये इमेज वहाँ पे रखूँगा, आप लोग वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अगर चाहे तो आप लोग हॉस्पिटल का जो डिटेल्स है मैं हॉस्पिटल का डिटेल्स भी अच्छे से बता दूंगा। तो ये डायरेक्ट हॉस्पिटल को आपका पैसा चले जा सकता है, आपको सिर्फ वहाँ पे पेशेंट का जो MRN नंबर है वो मेंशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये पेशेंट के लिए आपने ये डोनेट किया है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो हॉस्पिटल को पता नहीं चलेगा, तो वो किसी भी दूसरे पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकती हैं। सौरभ का क्वेश्चन है कि होए छे, তো সৌরভ এই যে ছেলেটা দেখতে পাচ্ছ, আমি এই যে ছবিটা দিয়েছি, এই ছেলেটা একটা খুব রেয়ার ডিসিজে ভুগছে, মানে শরীরে রক্ত তৈরি হচ্ছে না, যে কারণে আমাদের এর তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করতে হবে, আর চিকিৎসার কস্ট হচ্ছে অ্যারাউন্ড 32 লাখস, যার মধ্যে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক জায়গা দিয়ে ম্যানেজ করেছি, কিন্তু পুরো অ্যামাউন্টটা ম্যানেজ হচ্ছে না, তাই আমরা সব প্ল্যাটফর্মে হেল্পের জন্য এসেছি। তো যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা এর জন্য ডোনেট করতে পারো, ঠিক আছে? আর এই যে রোগটা হয়েছে রোগটার নাম হচ্ছে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। ঠিক হ্যাঁ, তো আজ যো মেন টপিক পে অভি আতে হ্যাঁ কি ইয়ে স্ট্রিম জো হ্যাঁ ইয়ে এআই কে লিয়ে থা, तो किस तरीके से हम लोगों को AI यूज़ करना है और अपने काम में लेना है, मैं उसके बारे में आता हूँ अभी। तो अभी AI के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, तो इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि AI इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट कर सकता है और AI इंडस्ट्री को कितना डिसएडवांटेज दे सकता है, तो वो बहुत डेप्थ में जाएंगे हम लोग वो वीडियो में। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ अपने लोगों के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे मैं वो लॉन्च करूँगा बहुत जल्दी। लेकिन आज हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, आज हम लोग सिंपली सीखेंगे कि AI को हम लोग यूज़ कैसे करें और हमारा हम उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिड जर्नी नाम का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे साइन इन करके अपना एक अकाउंट खोलना होगा। ठीक है, तो आपको मिडजर्नी डॉट ए आई में यहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट खोलना होगा। तो ये अकाउंट खोलने के बाद आप फिर मिडजर्नी हो गया, डाली हो गया, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको साइन इन करना होता है, और ये फिर थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस है डिजिटल एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं हमारे काम के लिए, जैसे फोटोशॉप हो गया और भी जो इलास्ट्रेटर हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर से ये लिंक हो जाता है आपका AI अकाउंट। फिर आप इसके थ्रू उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको मिड जर्नी में अकाउंट खोलना है और उसको आप जो थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हो जैसे कि फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप, आप अडोब फोटोशॉप के साथ उसे लिंक करना है। तो कैसे लिंक करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली अडोब फायरफ्लाई करके एक वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। जैसे ही आप अडोब फायरफ्लाई टाइप करेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा।
अडोब फायरफ्लाई पे जैसे ही हमने क्लिक किया वो स्टेट पूछेगा इंडिया, यस। अभी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है अकाउंट, तो मुझे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो मुझे सीधे गेट फायरफ्लाई फ्री दिखा रहा है यहाँ पे, क्रिएट विथ फायरफ्लाई, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, यहाँ पे फायरफ्लाई का मेन पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन करना है। अब ये सिर्फ फायरफ्लाई पे लॉगिन करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको मिड जर्नी में एक अकाउंट खोलना होता ही है, वो होने के बाद ही आप इसके साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये है हमारा एआई का जो इंटरफेस आप देख सकते हैं, या ये सारे जितने भी इमेजेस है आप देख रहे हैं, ये कोई भी रियल इमेजेस नहीं है। ये जो लड़की है यहाँ पे, ये एआई ने बनाया है। ये जो भी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सारे जो है ये एआई ने बनाया है, ठीक है। सो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको मिड जर्नी में अपना अकाउंट खोलना है, फिर उसको अडोब फायरफ्लाई के साथ लिंक करना है। लिंक कैसे करना है, अडोब फायरफ्लाई में आप जैसे ही लॉग इन करोगे अपने अकाउंट को, वो टाइम पे वो एक पॉपअप आएगा, उसी पॉपअप में आपका मिड जर्नी के साथ लिंक हो जाएगा, फिर आप आराम से जनरेट कर सकते हो। अभी और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जो अडोब फायरफ्लाई है, ये ओरिजिनल फोटोशॉप में ही आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, फोटोशॉप ने अभी अपना जो परपेचुअल लाइसेंस है, जो नेवर एंडिंग लाइसेंस है, वो बंद कर दिया है, और उन लोग ने मंथली सब्सक्रिप्शन में उन लोग आ चुके हैं। तो आप कुछ भी अगर आपको फोटोशॉप में करना है, तो आपको पहले फोटोशॉप परचेस करना होगा, मंथली बेसिस पे उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मैंने एक फोटोशॉप का प्लान लिया है मंथली 20 GB का। मुझे सिर्फ फोटोशॉप और लाइट रूम का थोड़ा काम रहता है, तो इसलिए मैंने फोटोशॉप और लाइट रूम का कॉम्बो लिया है, जिसका मंथली कुछ 350 रुपीज़ का ही आता है। मतलब ये बहुत चीप हो चुका है और बहुत कन्वीनियंट है, जिससे कि सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। पहले अगर एक परपेचुअल लाइसेंस हम लोग नेवर एंडिंग लाइसेंस लेने जाते थे, तो 60 से 70 थाउजेंड विद GST अगर लगाए, तो वो 80 थाउजेंड के ऊपर हमको एक फ़ोटोशॉप खरीदने मिलता था। बट अभी यही चीज़ आप 300 रुपया एवरी मंथ, 300 साढ़े 300 रुपये में ये आपके लिए अवेलेबल है। सो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये एआई का फीचर यूज़ करना है, तो आपको फोटोशॉप रियल लेना पड़ेगा। ओरिजिनल फोटोशॉप में ही आप काम कर सकते हो, कोई भी पायरेसी पायरेटेड वाला फोटोशॉप वर्जन से आप ये नहीं कर पाओगे। उसी के साथ ये अडोब फायरफ्लाई जो है वो लिंक है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे कि इसको यूज़ कैसे करें। तो एआई में आपको दो तरीके से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, एक होता है बाय प्रॉम्प्ट और एक होता है बाय रेफरेंस। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, हम जो चीज़ टाइप करेंगे, कंप्यूटर उसको एक सीक्वेंस में इमेजिन करके वो हमारे सामने वो इमेज को लेके आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो इमेज है इसका प्रॉम्प्ट है द इमेज ऑफ एन ओल्ड राउंड फॉर्मिंग फैंटेसी केव इन द जंगल विद अ बर्निंग लैंटर्न्स। अभी ये प्रॉम्प्ट से एआई ने ये इमेज क्रिएट किया है। अभी ये जो इमेज है, अगर हम लोग देखें तो इसका जो प्रॉम्प्ट है, इसका प्रॉम्प्ट क्या है हम लोग देखते हैं। अ सनी ऑटम डे, अ लार्ज ट्री विद रेड लीव्स इन द बैकग्राउंड इन एन ऑटम मीडो एनिमे स्टाइल। अब जितना डिटेल में हमारा प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही अच्छा हमारा इमेज आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एआई का मदद लेना है। अभी आप जितना अच्छा उसे प्रॉम्प्ट दोगे, उतना अच्छा वो इमेज लेके आके देने वाला है, ठीक है। तो अभी ये इससे हमारा, मतलब हम लोग जो डिज़ाइनर्स हैं, हमको क्या फ़ायदा है, तो मैं वही आपको बताता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। एक ईयरिंग का स्केच बनाता हूँ मैं।
अभी एक ईयरिंग है मेरे दिमाग में, मैं आप लोगों को इजीली बता के दिखाता हूँ। माइक जोसेफ करके एक ज्वेलर है, वो बहुत एकदम एडजी लाइंस, एडजी कर्व्स, एकदम स्लैंटेड लाइंस, यही सब को लेके वो डिज़ाइंस बनाता है। उसका अगर आप देखेंगे डिज़ाइंस बहुत अच्छा है। तो ये उसका पैटर्न है, इस तरीके का एक पैटर्न है। हर एक डिज़ाइनर का अपना अपना एक पैटर्न होता है। तो वो मोस्टली ऐसे स्ट्रेट कर्व्स, स्लैंट कर्व्स के साथ ही खेलता है। उसके मोस्टली डिज़ाइन में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के कर्व्स हैं। और यहाँ पे मैंने इमेजिन किया है एक एम्ब्रेल्ड, ओवल एम्ब्रेल्ड। सॉरी, अचानक से ये कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, सो ये इयरिंग आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जस्ट एक रफ डिज़ाइन बनाया। तो ये रफ डिज़ाइन को हम लोग एआई का भी हम लोग क्या मदद ले सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अभी ये एक रफ डिज़ाइन मेरे दिमाग में था। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, ये जो मेरे दिमाग में रफ है मैं इसी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, इसी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और भी ऑप्शंस बना सकता हूँ सिमिलर पैटर्न में, जिससे कि ये थोड़ा और मुझे वेरिएशंस मिले और ऑप्शंस मिले, तो मैं फाइनली एक डिसाइड करूँ कि हाँ मुझे इस पे काम करना। तो यही काम जो है, ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस का जो काम है, यही एआई करके देता है हमें। तो हमें उससे ज़्यादा एआई का यूज़ करना भी नहीं है, क्योंकि एआई जो है कंप्यूटर, वो इमेज को, बहुत सारे इमेजेस को मैनिपुलेट करके, इमेज मैनिपुलेट करके वो हमको दिखाती है। बट कंप्यूटर को एक चीज़ का आइडिया नहीं है, वो है मैकेनिज्म क्या होता है, इंट्रिकेसी क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो वो हमें बहुत सारी चीज़ थ्रो कर दी है हमारे सामने, तो इसलिए हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें बस हमारे जो काम का है उसका जो आउटर शेप हमें पसंद आ गया, तो वही हमको अपने काम में ले लेना। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो इमेज है इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसको मैं JPEG करके सेव कर देता हूँ, टेस्ट नाम रख देता हूँ इसका। मैं सेव कर दिया मैंने, ओके, हायर रिजोल्यूशन, फाइन। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं सीधे जाऊंगा फोटोशॉप में, नहीं फोटोशॉप में नहीं जाना है मुझे, मुझे जाना है गूगल में। मैंने जो फायरफ्लाई का लिंक ओपन करके रखा था वहाँ पे, तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट लिखा है इसके नीचे, ये मुझे हटा देना है और मुझे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे मैं लिखूँगा फ्रंट टू बैक ईयरिंग, विथ एडजी लाइंस फिल्ड विथ पावे डायमंड्स, ईयरिंग will be in white gold। अभी जितना और डिटेल में हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे उतना और अच्छा होगा। अभी ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, सिर्फ प्रॉम्प्ट का हम लोग जनरेट करके देखते हैं कि क्या आएगा। कुछ मिस किया है हमने, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस किया है हमने, मिस किया है कि देयर विल बी अ बिग ओवल एमरल्ड
इन दिस सेंटर ऑफ द इयररिंग द इयररिंग विल बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शेप। ठीक है, अब इतना प्रॉम्प्ट काफ़ी है। ये प्रॉम्प्ट से हम लोग देखते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन हमारे पास बना के दिखाने वाला है। तो हम लोग ट्राई प्रॉम्प्ट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि एआई ने क्या जनरेट किया है। अभी एआई ने अपने हिसाब से ये इमेजेस जनरेट करके हमारे सामने रखा है। अभी एआई को बहुत सारी चीज़ मालूम नहीं है कि डायमंड सेट कैसे होते हैं, डायमंड के फैसेट्स कैसे दिखते हैं, तो वो सब आपको इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। बट ये जो इमेज मैनिपुलेशन टेक्निक एआई के पास है, वो हर एक इमेज को इतना अट्रैक्टिव बना के दिखाएगा कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी इमेज देखो, आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ये कोई इनकम्प्लीट डिज़ाइन है या फिर ये बनना पॉसिबल नहीं है। बट एक्चुअल में वो होगा नहीं, बट फिर भी ऐसा लगेगा कि ये एक परफेक्ट डिज़ाइन है। सो अभी जो हमने डिज़ाइन किया था यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा डिज़ाइन था, लेकिन कंप्यूटर ने मुझे ये बना के दिखाया। तो अभी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर और थोड़ा अलाइन हो जाए हमारे थॉट के साथ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज लेंगे। तो अपलोड इमेज पे जाएंगे और ये टेस्ट जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि कंपोजिशन रेफरेंस हेल्प्स यू अप्लाई ए पार्टिकुलर आउटलाइन एंड डेप्थ टू द इमेज यू जनरेट। टू यूज़ दिस यू मस्ट हैव द राइट टू यूज़ एनी थर्ड पार्टी इमेजेस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। अभी हमने यहाँ पे एक इमेज, अपना जो इमेज है हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अभी हम इसको जनरेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉम्प्ट जो था वही रहेगा, सिर्फ नीचे एक स्ट्रक्चर रेफरेंस आ गया है। अब हम इसको जनरेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रेफरेंस से ये चार इमेजेस आए हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये जो रफ डिज़ाइन मैंने बनाया है, अभी ये भी इतना क्लियर डिज़ाइन नहीं है, ये जस्ट एक आउटर है। सो ये आउटर से एआई ने खुद के बहुत सारे डिज़ाइन इमेजिन किए हैं, जो मुझे अपने रफ डिज़ाइन से अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये वैरायटी में से कुछ काम ले सकता हूँ अगर मुझे लेना है तो, या फिर मैं अपना जो डिज़ाइन है मैं इसको स्टिक करके रह जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये शेप से तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं और एक बार जनरेट करके देख सकता हूँ कि अगर और भी ये इमेजेस जनरेट करें और भी नए शेप्स ही जनरेट करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसने इतने कुछ नए इमेजेस नहीं जनरेट किए हैं, जो था वही है, उसको ही थोड़ा सा आगे पीछे किया है। सो अभी ये जो काम है, यही काम है एआई का, कि वो आपके पास आपके जो रफ थॉट्स है, रफ स्क्रिबल्स है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने लाके रख देगा। फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आपको वो इमेजेस कैसे यूज़ करना है, आप कैसे उसको और काम पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने इमेजेस डाउनलोड किए थे मेरे डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएंगे। अभी यहाँ से मैं, मुझे जो इमेजेस अच्छा लगेगा मैं अभी उसको अपने सामने रखूंगा।
अभी मेरे पास, मैं ये दो इमेज को चूज़ करता हूँ, ये दोनों इमेजेस को मैं रखूँगा अपने रेफरेंस के तौर पे, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि और फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन था वो बेटर था, कि मैं और भी नया कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। तो इस तरीके से हमको एआई का यूज़ करना है, ना ही उस पर पूरा रिलाई हो जाना है। एआई हमको पूरा एज इट इज़ हमको जैसे चाहिए नहीं बताएगी, या फिर कभी कभी वो बता भी देगी, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत रैंडम है। तो इसीलिए आपको पूरा एआई पे रिलाई नहीं करना है, आपको बस उसका जितना काम में लेना है उतना आप यूज़ कीजिए। अभी मेरे पास तीन शेप्स है, तीन कॉम्पोजिशन है, एक है ये नंबर वन जो मैंने बनाया था, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री। अभी इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक नया और अच्छा डिज़ाइन बना सकता हूँ, या फिर मैं अपना जो ऑलरेडी डिज़ाइन है मैं उसी पे स्टिक रह सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे इसका जो शेप है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें ये जो नीचे का जो एलिमेंट है उसके साथ इन्होंने जो टॉप अटैच किया है ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि हाँ चलो सेम डिज़ाइन पे एक टॉप अटैच करके देखते हैं। सो इस तरीके से आपको एआई का काम लेना है, पूरा रिलाई नहीं करना है आपको एआई पे, बस आपके जो रेफरेंस है रेफरेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए एआई आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सेम मैंने ईयरिंग बनाया था ये उसका एक दूसरा ऑप्शन है। अभी दूसरा ऑप्शन ये जो मैंने बनाया है, दूसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने एआई में कुछ इमेजेस जनरेट किए थे जहाँ पे मुझे रियलिस्टिक तरीके से कुछ इमेजेस दिखे, जिससे कि मैं ये और एक ऑप्शंस निकाल पाया हूँ। तो इसी तरीके से आपको एआई का यूज़ करना है, और बहुत ही सिंपल है यूज़ करना, एआई इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है एआई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेम मैंने अपने ही डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया एआई की हेल्प से। सो यही काम आप भी कर सकते हो, और यही यूज़ है एआई का। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि एआई किस तरीके से यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग एआई का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी एआई का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। सो उसके लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, जब जैसे ही वो वीडियो आएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। सो यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट ईयरिंग बना लिया है,
डिज़ाइन कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से मुझे ये रेंडर करके दिखाना पड़े आपको, क्योंकि आपको ऐसे ही आइडिया आ जाएगा कि मैंने बनाना क्या बनाने का कोशिश किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट ईयरिंग है, सो इसी तरीके से हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन को और इन्हेंस करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख के कुछ काम बनाया है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे FB पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे हैं, मैं YouTube में ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो क्वेरी है वो बता सकते हैं। अगर आपको AI में जनरेट करने में कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या करना है आपको। पहले तो आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको मिड जर्नी में अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, लॉग इन करना है अकाउंट में, साइन इन करना है। सेकंड, एडोब फोटोशॉप या फिर कोई और एडोब का जो सॉफ्टवेयर से आप अगर इसे परचेस करते हो, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। उसके साथ अडोब फायरफ्लाई फ्री आता है, और आपको क्या करना है, आपको एक अडोब आईडी बनाना होगा, अडोब आईडी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा मिड जर्नी में एक अकाउंट ओपन, सेकंड हो गया हमारा एक अडोब आईडी में अकाउंट ओपन कर लेना। फिर इन दोनों को लिंक कर लेना, फिर आप कभी भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना। और फिर से मैं आप लोगों को एक बार वो चैरिटी के लिए मैं आप लोगों को एक बार अप्रोच करूँगा कि आप लोग जिन लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग प्लीज़ ये गौरव के लिए कुछ डोनेट करने के लिए कंसीडर कीजिए। ये उसका इम्पैक्ट गुरु का लिंक है, आप सीधे वीडियो को पॉज करके भी, इसे स्कैन करके भी आप डोनेट कर सकते हो ऑन द स्पॉट भी। और अगर आपको बाद में करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं। बाद में मतलब नेक्स्ट 1 या 2 वीक के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी इसका ऑपरेशन करेंगे उतना जल्दी इसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो इसके लिए और क्रिटिकल होते जाएगा कंडीशन। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हम लोग फंड इकट्ठा कर पाए, तो तभी हम लोग हॉस्पिटल में एडमिशन करा सकते हैं इसका। तो आप लोग इम्पैक्ट गुरु में कर सकते हो डोनेशन, या फिर आप लोग सीधे हॉस्पिटल का जो बैंक डिटेल्स है आप लोग उस पर करा सकते हो। तो हॉस्पिटल का जो बैंक डिटेल्स है मैं आपको अच्छे से यहाँ पे जूम करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा आप डिटेल्स देख सकते हो, पेशेंट्स का नाम क्या है, पेशेंट्स का MRN नंबर, एज 16 इयर्स, 32 लाख जो कॉस्ट है, पूरा ब्रेकअप दिया है यहाँ पे,
हॉस्पिटल का जो बेनिफिशियरी और ये है, एक सेकंड, मैंने शायद से मिस कर दिया। मैं अभी वो मैनेज करता हूँ। तो और एक बात मैं आज स्ट्रीम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लास्ट मैंने प्रो क्रिएट का कुछ स्ट्रीमिंग किया था, और प्रो क्रिएट के स्ट्रीम से कुछ 27,000 के आसपास कलेक्ट हुआ था। तो जिन लोगों ने भी डोनेट किया था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी डोनेट किया है, तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया इसके लिए। और जिन लोगों ने नहीं किया, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ कीजिए कुछ डोनेट इसके लिए। और ये एक जेन्युइन केस है, ये कोई स्कैम नहीं है कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया है और ये सब करा रहा है। मैं आपको बैंक डिटेल्स भी देता हूँ। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इम्पैक्ट गुरु का जो लिंक था, आप लोग उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये जो बैंक डिटेल्स है इसको आप लोग पॉज करके इसका डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिखा है, नारायण हृदयालय लिमिटेड। यहाँ पे हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर और सब कुछ दिया है। आप लोग सीधे बैंक को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट यही होगा कि जो इम्पैक्ट गुरु का जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है वो सेव हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जिन लोग ये वीडियो देखे और शेयर करें लोगों के साथ जितना हो सके। पहला हेल्प तो आपको नया चीज़ सीखने मिलेगा, और दूसरा चीज़ है आप किसी को किसी की जान बचाने में हेल्प कर सकते हो।
सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर. अपना ध्यान रखिए.